Hello dear students and welcome back in our online classes. आज काफी दिनों बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने मुझे मिस नहीं किया होगा। अच्छा, आज जो विषय मैं लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट किया है कि सर इस पे एक वीडियो बना के हमारा थोड़ा सा हमको इस पे समझाया जाए। मैंने कोशिश किया इस वीडियो में कि मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे पाऊं। ये जो विषय है, ये टॉपिक है आज का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी और बहुत ही ज्यादा बर्निंग इश्यूज भी है। इस पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, इस पे बहुत ज्यादा जो है भूचाल आया हुआ है यूक्रेन, और सारे लोग इस पे जो है चर्चाएं कर रहे हैं। और तो इसी बहाने हमको भी इसको सीखने का थोड़ा सा मौका मिला, भी थोड़ा सा इधर उधर से इंफॉर्मेशन लिए सीखे, और कितना सीख पाए आप लोग शेयर कर रहे हैं। तो ये जो है वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही नॉलेजफुल होगा आपके लिए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस पर्टिकुलर वीडियो की। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा सबसे पहले कि जो फॉर्म बिल का डिस्कशन जो है, इसको हम दो तीन पार्ट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। एक पार्ट में हम अगर इसको करेंगे तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा, तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो लेकिन कंटेंट हमारा क्या रहेगा, हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो कंटेंट है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है फार्मर्स का, और इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों इस फार्म्स की जरूरत, फार्म बिल्स की जरूरत पड़ी, और एपीएमसी एक्ट क्या होता है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों उसके ऊपर इस बिल को एडिशनली लाना पड़ा, फिर उसको हम जो लॉज है, तीनों लॉज को हम जो है सेपरेटली समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन करके, उसके प्रोज एंड कॉन समझाने की कोशिश करेंगे कि बिल लाए गवर्नमेंट या जो कानून बनाए उनके फायदे के नुकसान है, फार्मर्स की क्या डिमांड है, फार्मर्स की डिमांड केवल इतना ही है कि बिल्स को रद्द किया जाए, कानून को खत्म किया जाए, इसके अलावा भी कोई और डिमांड है, वो भी हम इसमें सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अदर साइड ऑफ द स्टोरी, गवर्नमेंट बोलती है कि भाई इसके पीछे तो जो है जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके पीछे तो अपोजिशन का हाथ है, कुछ लोगों का हाथ है, कुछ लोग ही यहाँ पे आ रहे हैं, तो किसानों को इतना बड़ा सपोर्ट कहाँ से आ रहा है, इतने बड़े लेवल फार्मर्स प्रोटेस्ट, इस पे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बाद में लास्ट में एक ओवरव्यू लेंगे कि क्या क्या हमने डिस्कस किया और कितना उसका एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी कोई और अगर टॉपिक मिलेगा इससे रिलेटेड तो हम उसको इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो दो तीन चार पार्ट में ये हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे वो जो है नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे। तो लेट अस हैव अ लुक बैकग्राउंड ऑफ द फॉर्म लॉज। देखिए, गवर्नमेंट कोई भी कानून लेके आती है, गवर्नमेंट कोई भी बिल लेके आती है, उसके पीछे एक रीजन होता है, एक जरूरत होती है। जरूरत क्यों होती है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है और कानून के दायरे में रहकर उनका भी सोल्यूशन निकालने की बात करते हैं, एक समाधान देते हैं। भाई ये प्रॉब्लम थी, उसका हम एक कानून बना देते हैं और इसके हिसाब से चलेंगे तो हमारा प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये जो गवर्नमेंट बिल्स लेके आई है उनके पीछे भी कोई कानून का कोई प्रॉब्लम्स होगी, कोई बैकग्राउंड हो रहा होगा, उस संदर्भ को, उस बैकग्राउंड को भी हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। कितना डिस्कस कर पाएंगे, लेट अस सी। देखिए, बैकग्राउंड में जाने से पहले एक प्रेजेंट स्टेटस और बात कर लेंगे, प्रेजेंट में चल क्या रहा है। अभी रिसेंटली जो है फार्मर्स का जो है, फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में टॉक चल रहा था, तो मुझे लगता है ये बहुत 10th राउंड कंप्लीट हो चुका है। आज 21 जनवरी है और अभी 19th ऑफ जनवरी को एक टॉक हुआ था, 10वें राउंड का टॉक था। उसमें भी
रिसेंटली अपडेट वो यही है कि गवर्नमेंट ने जो है बिल को 1.5 साल के लिए है पोस्टपोन करने का और इनइफेक्टिव रखने का जो है ऑप्शन दिया है किसानों को कि हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि 1.5 साल तक जो है इसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, होल्ड कर देते हैं किसानों को और हमें कमेटी बना के और इस पर डिसीजन करते हैं, और ताकि वार्तालाप के थ्रू जो है एक कंक्लूजन एक सोल्यूशन ढूंढ पाए। गवर्नमेंट ने एक ऐसा जो दिया तो किसानों ने बोला ठीक है हम उस पर बताएं। हालांकि अभी रिसेंटली कल ही पता चला था कि किसानों ने उसको भी निकाल उनकी बात को भी नहीं माना और उन्होंने बोला कि नहीं उनका डिमांड अभी वही है कि तीनों लॉज को जो सारी डिमांड्स उनकी उनको पूरा किया जाए वही उनका अभी स्टैंड है। एक प्रेजेंट सिचुएशन, इससे पहले भी 2-3 महीने में बहुत सारी बात हुई है किसानों के और सरकार के बीच में, वो सारा डिसीशन हुआ लेकिन कोई कंक्लूजन कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। किसान अभी अड़े हुए हैं, ठंड में भी किसान जो है अपने धरने पे बैठे हुए हैं और सरकार को सरकार की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। जीत भी कर रहे हैं, डेफिनेटली आंदोलन है तो जीत है। अब उसके बारे में बात करते हैं कि भाई गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स ऐसे कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी जिससे कि जिसका विरोध हो रहा है। तो कुछ मुझे जो लगता है नॉट कुछ गवर्नमेंट बता रही है कुछ एक्सपर्ट बोल रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि ये रीजन रहे होंगे और इस कानून की जो लिखा है उसको अगर हम देखते हैं थोड़ा सा स्ट्रिक्टली है ज्यादा तो नहीं कर पाए क्योंकि कानून है तो कानून को वकील समझ सकता है। तो प्रॉब्लम्स इन एपीएमसी सिस्टम, पहला प्रॉब्लम है कि भाई गवर्नमेंट ये तर्क दे रहा है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एपीएमसी है वो क्या है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और ये फैक्ट भी है। प्रेजेंट सिचुएशन में जो एपीएमसी एक्ट है वो फैक्ट भी है मेरे हिसाब से, मैं मोर नहीं लगा रहा उसको भी किसी चीज को, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या है उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम जानेंगे कि एपीएमसी एक्ट जो है उसका सिस्टम प्रेजेंट में क्या है। ठीक है, एक तो है कि प्रॉब्लम सील जो है एपीएमसी सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम है, उसकी वजह से गवर्नमेंट को उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्योंकि एपीएमसी एक्ट को खत्म तो कर नहीं सकती, तो उन्होंने क्या किया कि उसके अल्टरनेटिव एक कानून लेके आ रही है। बैकग्राउंड क्या है कि भाई आपको पता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है इतनी बार हमें दोहरा चुकी है और उसके लिए कोशिश भी कंटिन्यू कर रही है कि भाई डबल डबलिंग फार्मर्स इनकम हो, फार्मर्स का इनकम जो है 2022 तक डबल हो, और तो उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसी की डायरेक्शन में यहाँ पे कोशिश करती हुई नजर आ रही है जो मुझे लगता है। दूसरा कि फार्मर्स के प्राइसेस रेमुनरेटिव प्राइसेस की गवर्नमेंट सेंस को जो भी गवर्नमेंट है वो कम करता है, यहाँ पे तो हम इसको डिस्कस करने का। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लगता है वो है लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, ये सबसे बड़ा मुझे जो है एक पॉइंट दिख रहा है कि गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाना चाह रही है, प्राइवेट सेक्टर से एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाना चाह रही है, प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करना चाह रही है कि आप आइए एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करिए, और उसके उसके पीछे उसको लाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे कानून लाने पड़ेंगे, कानून में संशोधन करना पड़ेगा। जो प्रेजेंट के कानून है वो प्राइवेट प्लेयर्स को जो है अलाउ नहीं करते एग्रीकल्चर में कि वो उस लेवल पे उस स्केल पे आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके। तो फार्मर्स मेजर फोकस ऑन सीरियल क्रॉप्स ओनली, ये फार्मर्स हो गए फार्मर्स है, तो फार्मर्स का मेजर फोकस जो है ना वो ओनली सीरियल्स पे ही है, स्पेशली पंजाब हरियाणा और ये जो एरियाज है ना यहाँ पे फार्मर्स जो ज्यादातर जितने मैं अभी में द प्रिंट करके कोई डिजिटल सोर्स है वहां से मैं पढ़ रहा था उसके एडिटर का बात कह रहे थे कि पंजाब के और हरियाणा फार्मर्स क्या है क्योंकि उनको क्योंकि वो लार्ज फार्मर है, जनरली वहां पे लार्ज फार्मर है जिनके पास रिसोर्सेज है और
तो क्या है कि वो लेने ज्यादा है, तो उनको आसानी होता है कि वो हैरान हो गए और वो वेद हो गए और उनको जो है एमएसपी बेच दे। तो उनके लिए आसानी था कि बढ़िया उसका चल रहा था, मतलब काफी हद तक अच्छा फार्मर, पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स के लिए वीट और राइस क्रॉप जो है काफी फायदेमंद रहती है। जो एडिटर महोदय हैं वो बता रहे थे कि गवर्नमेंट को ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं नजर आया कि भाई देखिए एक समय था, अभी ये देखो बैक उनको फिर हिस्ट्री में जाना पड़ जाएगा, तो हम बहुत ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, लेकिन पंजाब और हरियाणा को जो हम सीरियल्स के लिए जो एक बाउल बनाया है गवर्नमेंट ने, बनाए थे हम हरित क्रांति के टाइम पे, क्योंकि हरित क्रांति के टाइम पे हमको जरूरत थी, हमको जरूरत थी कि उनको हम जो है ध्यान और उसके लिए वो करें, क्योंकि उससे पहले हमारे देश में जो है सेल्फ सफिशिएंट फूड में हम नहीं थे, सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, हमको डिपेंड होना पड़ता था बाकी कंट्रीज पे या फॉरेन कंट्रीज पे, उस टाइम पे तो ठीक था, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है कि अब वो बढ़ता ही जा रहा है। देख आप देख रहे हो कि धान का प्रोडक्शन और गेहूं का प्रोडक्शन अच्छे से बढ़ रहा है, कोई कमी नहीं है उसकी, हम एक्सपोर्ट करने की सिचुएशन में है। तो गवर्नमेंट कह रहा है, गवर्नमेंट कह रहा है या फिर गवर्नमेंट का मानना ऐसा है भाई अब फार्मर्स को जो है सब्सिडी भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में किसानों को मिल ही रहा है, तो गवर्नमेंट चाहता है कि भाई अब जो, और वो सही भी है लॉजिकली, वो सही भी मुझे लगता है पर्सनली लगता है कि गेहूं और धान में फोकस करें तो बाकी क्रॉप्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हमारे देश में पल्सेस की मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, हम इम्पोर्ट करते हैं बाहर से, ऐसे भी कुछ क्रॉप्स है जो हम बाहर से वो करते हैं, तो बहुत सारी क्रॉप्स है जो हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो हमको उधर डाइवर्ट होना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड में मुझे नजर आता है। फिर लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, देखिए ये ऐसे एरियाज है जो एग्रीकल्चर में भी जिनको अनटेप्ड एरिया बोल लीजिए, जिनको इनको एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज कितनी कमी है देश में, आप देखते हो एफसीआई गोडाउन में ना जैसे ही खराब हो रहा है, इतनी जगह की हम आए दिन अखबारों में और न्यूज में देखते हैं, तो मुझे लगता है प्रोसेसिंग बहुत कम होता है इंडिया में, बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके अपेक्षा में जबकि प्रोडक्ट तो गुड इनफ होता है इंडिया में, बहुत सारी क्रॉप्स में जो है अच्छा खासा प्रोडक्शन करता है, अच्छा खासा स्थान रखता है। नेक्स्ट पॉइंट भी मेरा है एम्पल पोटेंशियल इन इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर में पोटेंशियल बहुत है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सीरियल्स, इवन मिल्क प्रोडक्ट या मिल्क प्रोडक्शन, और इसके अलावा भी जो है बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स प्रोडक्ट जिसमें इंडिया एम्पल मात्रा एम्पल क्वांटिटी में जो है प्रोड्यूस करता है, तो क्या होता है जब इतना प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन उसमें प्राइवेट प्लेयर नहीं है तो उनका किसान जो है उतना अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता या उस लेवल पे प्रोसेस नहीं कर पाता, तो वो क्या होता है फिर वो वेस्टेज ही होता है, क्योंकि आपके पास वे अच्छे से कोल्ड स्टोरेज नहीं है, अच्छे से वेयर हाउसेज नहीं है गुड इनफ, इवन आपके पास तो मंडीज भी अच्छे से नहीं है, बहुत ज्यादा मंडीज भी नहीं है, की बात जब करेंगे एपीएमसी सिस्टम की जब बात करेंगे तो उसमें उस चीज को डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब ये बैकग्राउंड स्टडीज, ये बैकग्राउंड पॉइंट्स हम यहाँ पे देखें, उसके अलावा और भी बैकग्राउंड गवर्नमेंट के हो सकते हैं जो आपको लगता है। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द लॉज, देखिए लॉज को समझने से पहले हमको बात करते हैं पहले एपीएमसी एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एपीएमसी करते हैं, तब जाके हमको लॉ समझ में आएगा। तो लॉज क्या है, एपीएमसी सिस्टम क्या है, अभी तक का अभी क्या कर रहे थे फार्मर्स, फार्मर्स क्या कर रहे थे एपीएमसी का अभी क्या कर रहा था कि कोई भी किसान जो है अपना प्रोड्यूस को डायरेक्टली किसी बायर को, किसी प्रोसेसर को, किसी ट्रेडर को, किसी बिजनेस फर्म को नहीं बेच सकता है, अपना प्रोड्यूस को कहाँ लेके जाना पड़ेगा एपीएमसी मंडीज में जो कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड मंडीज होती है। एपीएमसी जो है
एक्ट जो है उनको बताता है कि भाई वो कुछ बाउंडेशन लगा दिया है किसानों पे, ट्रेडर्स पे, और सिस्टम ऐसा बना दिया है कि किसान को पहले जो है मंडी में लेके जाना पड़ेगा, वहां से कोई ट्रेडर्स या कोई भी फर्म वो जो है खरीद सकती है। ठीक है, सिस्टम में करते क्या है, सबसे पहले किसान जो है अपना प्रोड्यूस करता है, अपना क्रॉप्स को प्रोड्यूस करके और अपने प्रोड्यूस को जो है वो मंडी में लेके जाता है। वहां पे जो है गवर्नमेंट के जो है लाइसेंस एजेंट्स होते हैं, वो एजेंट जो है बोली लगा के उनके उत्पाद को बेचते हैं। मतलब गवर्नमेंट एक एफएमसी एक्ट के थ्रू एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रखा है किसानों को, जहाँ पे किसान अपना प्रोड्यूस लेके आता है, एक मंडी यार्ड दे रखा है, एक मंडी का स्ट्रक्चर दे रखा है, वहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है, कुछ सुविधाएं भी दे रखी है गवर्नमेंट ने, जिसको एपीएमसी मंडी बोलते हैं, जिसको किसान मंडी भी कई जगह बोलते हैं और कृषि मंडी जनरली बोलते हैं। तो वहां पे अपना क्रॉप को लेके आता है और वहां पे जो है वो बेच देता है विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स, क्योंकि वो उसके माल को बेच देता है और उसकी जो है थोड़ा सा वो कोऑपरेट करता है, तो एजेंट का एक लाइस एक कमीशन बनता है, ऐसे मुझे लगता है वो 2-2.5% लगभग कमीशन होता है, वो किसान को 2% कमीशन देना पड़ता है, उधर उसको भी कमीशन देना पड़ता है बायर को भी, प्लस किसान को कमीशन के अलावा कुछ मंडी टैक्स भी देना पड़ता है, मंडी का फीस इसको बोलते हैं। गवर्नमेंट वहां पे आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है, फैसिलिटीज दे रहा है, तो टैक्स टैक्स के नाम पे एक फीस देना पड़ता है, जो कि उन्हीं के लिए, उन्हीं किसानों के लिए काम वो यूज करेंगे उस फंड को, मतलब ऐसा वो प्रावधान है। कैसे अब हो रहा है कि नहीं हो रहा ये तो नहीं पता, लेकिन किसानों के लिए जो है उनको टैक्स देना पड़ेगा, उनको कमीशन देना पड़ेगा, तो ये जो है अभी तक हो रहा था। ठीक है, बायर्स को भी जो है कोई भी फर्म वो खरीदेगा उसको भी जो है कमीशन देना पड़ेगा और जो टैक्स है वो उनको देना पड़ेगा, एक एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ मार्केटिंग था। लेकिन इसमें जो है दिक्कत कहाँ है, अच्छा ये बुरा नहीं था ये सिस्टम, क्योंकि ये सिस्टम भी बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारी एक्सपर्ट की राय की बात दिलाया होगा, एपीएमसी एक्ट बनाया, और ये बहुत मुझे जहां तक मैं जानता हूँ बहुत ही हम पढ़ते हैं तो बताते बहुत ही अच्छा लो है ये भी, और इसके ऑब्जेक्टिव जो मुझे मैंने जो मुझे समझ में आया कि इससे फायदा क्या था, क्योंकि आप इससे पहले जब एपीएमसी एक्ट नहीं था उससे पहले क्या था कि आप कैसे बेच रहे थे, किसी को पता नहीं चल रहा था, गवर्नमेंट को नहीं पता चल रहा था कि कितना जो है प्रोडक्शन हो रहा है, कितना किसान को मिल रहा है, कोई सिस्टम नहीं था, उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक मार्केटिंग का फैसिलिटी देने के लिए एपीएमसी मंडीज का जो है शुरुआत किया गया। तो गवर्नमेंट को ये पता चल जाएगा कि कितने किसान उन्होंने माल बेचते हैं, एक डेटा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा जो कि उनको बाद में पॉलिसी मेकिंग में हेल्प कर सकता है और विकास के लिए वो हेल्प कर सकता है। फूड अवेलेबिलिटी, अब गवर्नमेंट को जब एमसी या जो क्या बोलते हैं उसको, एक स्ट्रक्चर्ड वे में जब आएगा, एक रेगुलेटेड वे में जब आएगा, कोई कोई एक चेन से किसान बेचेगा और उसके पास डेटा होगा तो गवर्नमेंट बता सकता है ना कि हमारे पास इतना फूड अवेलेबिलिटी है, एस्टिमेशन ऑफ फूड अवेलेबिलिटी इससे पता चल जाएगा गवर्नमेंट को। उसके अलावा जो है ये फार्मर्स के लिए प्राइस को जो है इंश्योर भी करता है, रीजनेबल प्राइसेस, क्योंकि उस मंडी का ये भी रूल है कि आप एमएसपी से नीचे जो है बोली नहीं लगाएंगे, जो एजेंट है वो एमएसपी से नीचे बोली नहीं लगाएंगे, तो सारे रूल है उसके, मैं यहाँ पे उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो बहुत ज्यादा मुझे जरूर लगता है। तो ये एक सिस्टम था, लेकिन अभी सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स था, उसकी ब्यूटी है तो उसकी अब जो है कुछ दिक्कतें भी है, जिसकी वजह से फार्मर्स को प्रॉब्लम हो रही थी, और ये हो रही थी प्रॉब्लम, इसमें ये आए दिन हम न्यूज में पढ़ते हैं और जो हमारे एक्सपर्ट है वो भी बताते हैं। प्रॉब्लम्स क्या थी कि जो कमीशन एजेंट्स थे या जो ट्रेडर्स थे वो कार्टेल जो
बना लेते थे, कार्टल मतलब एक एसोसिएशन बना लेते थे आपस में, और वो फिर उसी हिसाब से जो है बोली लगाते थे, हिसाब से उनको फायदा होता। तो कार्टलाइजेशन जो है होने लग गया था, इसी को भी जो है गवर्नमेंट ने ध्यान में रखा है। सबसे बड़ी बात कि एपीएमसी जो मंडीज है वहां पे एमएसपी से ऊपर या एमएसपी पे जो है खरीद होती है। अब एमएसपी पे खरीद होती है तो ये फैक्ट है, जैसे 2015 में एक कमेटी, संत कुमार कमेटी था, कमेटी बना था 2015 में, गवर्नमेंट ने कमेटी बनाया था संत कुमार कमेटी ने डेटा जो बताया वो बड़े सरप्राइजिंग डेटा है कि मात्र 14% गेहूं और धान जो है वहां से खरीद होता है केवल एमएसपी से। मात्र टोटल प्रोडक्शन का ओनली 14% ऑफ व्हीट एंड राइस जो है प्रोक्योर किया जाता है, तो कहां एमएसपी पे उनको दाम मिला है। उसके अलावा उन्होंने बोला कि ओनली 6% 6% ऑफ फार्मर्स आर एबल टू सेल एट एमएसपी इन द एपीएमसी मंडीज। आप सोचिए एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है और उसका फायदा मात्र 6% लोगों को हो रहा है, और प्रेजेंट जो एपीएमसी एक्ट है उसमें उसके तहत या जो गवर्नमेंट जो है 20 क्रॉप से उनका एमएसपी जो है डिफरेंट एमएसपी और प्रोडक्ट उनका जो है डिक्लेयर करती है हर साल, लेकिन एमएसपी पे खरीद किसकी होती है, केवल धान की, राइस की, कभी कभार जो है ग्राम यानी चने की, और कुछ और एक दो क्रॉप्स की जो है होती है, बाकी मैक्सिमम की तो एमएसपी पे खरीद हो ही नहीं पाती है। ये गवर्नमेंट का फॉल्ट है, गवर्नमेंट उसको जो है, क्योंकि एमएसपी जो है लीगलाइज नहीं है, ऐसा कोई इन्फोर्समेंट नहीं है कि एमएसपी पे खरीदना जरूरी है, ऐसा रूल नहीं है। गवर्नमेंट अनाउंस करते हैं कुछ खरीदते ही, लेकिन वैसा कहीं है नहीं जहां तक मुझे पता है, नॉलेज के वो अलग बात है। गवर्नमेंट नहीं खरीद पाती है। पहला पॉइंट जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि वहां पे मंडीज में कार्टल बना लेते हैं, टेंडर्स और एजेंट सब लोग, एजेंट भी जो है शायद जो है मिल जाते हैं टेंडर्स की, किसानों का तो बेसिकली जो है, क्योंकि किसान जो है हमारे देश में जो है सबसे नीचे काउंट होता है, जो मुझे नहीं लगता, मेरे लिए नहीं, लेकिन उस मिला कि उनको वो उतना एडुकेटेड नहीं होता या फिर वो उतना फ्री नहीं होता कि वो लड़ सके सिस्टम से, कहीं ना कहीं सफरर वो होता है। कहने का मतलब दूसरा है कि एमएसपी पे सारी क्रॉप्स की खरीद नहीं होती है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जब खरीद नहीं होती है तो फिर वो सिस्टम किस काम का, जबकि इसके अलावा कुछ बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स है जिनका एमएसपी डिक्लेयर ही नहीं करती गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो खैर 26 क्रॉप का करते हैं, लेकिन 26 क्रॉप तो है नहीं, वो ज्यादा क्रॉप्स है, तो जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को एमएसपी नहीं होता है, जबकि सबसे ज्यादा पेरिसेबल वो होती है, सबसे ज्यादा फेंकने में वो सब्जियां और ये आती है, तो वो भी एक दिक्कत है। और कभी आप एपीएमसी एक्ट जो मंडीज है, एपीएमसी मंडीज जो है उसे विजिट करेगा और उसकी स्टडी करेगा, बहुत सारे स्टडी ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, न्यूज पेपर में ऐसा बोलते हैं, कि उनके एक्सपर्ट ये राय रखते हैं कि जो मंडीज होती है ना वो डोमिनेटेड बाय सम पीपल्स हो जाती है, हर जगह की नहीं लेकिन बहुत जगह पे जो है लोकल लीडर्स कह लीजिए, लोकल नेताज बोल लीजिए उनको, या जो वहाँ के डोमिनेंट पर्सनलिटी, डोमिनेंट केस ऑफ, ठीक है, तो उसमें जो डोमिनेंट होता है वो उसको वो डोमिनेट हो जाती है, तो उनका वहां पर राज चलता है। ये भी इस तरह की प्रॉब्लम्स भी जो है उसमें देखने को मिली है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है एपीएमसी की, जिसकी वजह से फार्मर्स को, अब इससे फार्मर्स को फायदा कहाँ हो रहा है, ठीक है, अब आप बोल रहे हैं कि भाई फार्मर्स को फायदा भी नहीं हो रहा है सिस्टम में, और क्या नाम से गवर्नमेंट की जो सिस्टम ला रही है उसमें फायदा भी हो रहा है, तो फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए कि ये जो प्रॉब्लम्स है एग्जिस्टिंग सिस्टम में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो मैंने डिस्कस किया, तो अब इन प्रॉब्लम्स को जब हम
देखते हैं तो क्या करें, प्रॉब्लम तो सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन यहाँ पे दो तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं क्या, एक तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो कमियां है, जो वीकनेसेस है, उसको दूर करें, सरकार उस पर काम करें, उनका सॉल्यूशन निकालें, उसको रिस्ट्रिक्ट करें। दूसरा दूसरा कि उसको डिसमेंटल कर दे, कुछ सिस्टम उसको साइडलाइन कर दे, और जो सॉरी है, तो डिसमेंटल जो है उसको कर दे। तो ये अब देखिए किस तरह से जो है एपीएमसी को तो गवर्नमेंट ने बंद नहीं किया है, खत्म नहीं किया है, लेकिन उसका अल्टरनेटिव एक लेके आ रही है। तो गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है, सेकंड वाला काम करने की कोशिश की, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम उसको भी रखा है कि जिसकी इच्छा उस पर जाए और बाकी की इच्छा नहीं हुआ पे वो इधर आए, न्यू सिस्टम में आए। तो ये था आज का डिस्कशन। फार्म लॉज क्या है, कौन कौन से लॉज लिखे हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं, और उसके बाद में इनको डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो है हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से जो है वो बिल्स लेके आए हैं, और क्या प्रोविजन है उसमें, और क्या उसके कौन से लॉज है वो हम देखेंगे। तो जो न्यू लॉज बनाया है गवर्नमेंट ने, वो बनाया है सिंपल सा, ताकि द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन लॉज। दूसरा, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ राइस इंश्योरेंस एंड फार्मर्स एंड फार्म सर्विसेज लॉ। तीसरा जो बिल आया है, एक्चुअली ये नया नहीं है, ये पहले वाला है, इसको अमेंडमेंट किया गवर्नमेंट ने, मॉडिफाई किया है, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट लॉ 2020। इन लॉ आपस में जुड़े हुए हैं, ये तीनों लोगों का मतलब जो है, मकसद जो है गवर्नमेंट का, कि प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उसको एग्रीकल्चर में अप्लाई करने की कोशिश किया है, उसमें उनको थोड़ा सा स्पेस देने की कोशिश किया है कि वो डेफिनेटली, क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट सिस्टम, जिसे भी हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने सेकंड ऑप्शन चूज किया है इन सबके प्रॉब्लम्स को चूज करने के लिए। मान लीजिए अगर अपन ये माने कि गवर्नमेंट अगर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उसी को सॉल्व करे, उसी को ठीक करे और उसी सिस्टम को चलने दे, तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर और बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। आपके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है रेगुलेशन के लिए, और कोई सिस्टम बना है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन बना है, बहुत सारा फंड और बहुत सारा एफर्ट उसमें चाहिए, फिर भी वो गवर्नमेंट सिस्टम रहेगा। और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सिस्टम का डिफरेंस, एफिशिएंसीज, प्रॉफिट, इसको बताने की मुझे लगता है जरूरत नहीं। गवर्नमेंट सिस्टम में कहीं ना कहीं जो है एफिशिएंसी उतनी नहीं रहती जितनी प्राइवेट सेक्टर में रहती है, इसीलिए शायद गवर्नमेंट का मन है कि प्राइवेटाइजेशन को यहाँ थोड़ा सा बढ़ाया जाए, उनको अलाउ किया जाए, कानून में थोड़ी ढील दी जाए कि लोग प्राइवेट प्लेयर्स आए और इस सिस्टम में थोड़ा सा इन्वेस्ट करें और इसको, इसका विकास करें और खुद का विकास करें। तो आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम फिर इन लॉज पे बात करेंगे आगे के टॉपिक। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, एंड दीज आर सम रेफरेंसेस एक्चुअली फ्रॉम वेयर आई कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सो यू मे गो थ्रू दीज रेफरेंसेस वांट टू नो मोर एंड मोर। थैंक यू।